नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदा सुखी रहो, माता रानी खुशियां बख्शे। ऊर्जाओं का हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। ये ऊर्जाएं दो तरह की मानी जाती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना बहुत जरूरी माना गया है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और तरक्की आती है, तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियाँ आने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो जाती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को जीवन में ऐसे दिन भी गुजारने पड़ जाते हैं जो पूरी उम्र भर उनके साथ रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर यदि इसका निवारण कर लिया जाए तो आप परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप कई संकेतों से पहचान भी सकते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम जानेंगे कि घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें आप जाने में बहुत असहज महसूस करते हैं, आपको डर लगता है कि मैं अकेले इस कमरे में नहीं जाना चाहता या मैं नहीं रहना चाहता, ऐसा क्यों? ये कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो संकेत करती है? बेटा, ये नेगेटिव एनर्जी तो होती है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हर किसी पे नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ, जो भी कमरा बंद है या दो टर्न के बाद जाकर के वेंटिलेशन नज़र आता है जिसका, उस कमरे के अंदर आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा होती है, यानी कि सूरज की एक किरण भी और साथ में हवा को वहाँ तक पहुँचने में जहाँ दिक्कत होती है, बेटा वो नेगेटिव एनर्जी वाला रूम होता है। ठीक है, इसीलिए कमरे इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि जिसमें वेंटिलेशन ज़रूर हो, यानी कि एक फ्रंट का डोर हो और बैक साइड में कहीं पर जा कर के दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा हट के कहीं से हवा निकल भी जाए और पास होती रहे। अगर ये प्रावधान नहीं है तो उस कमरे में घुसने से किसी न किसी को डर लग सकता है। और वो डरने वाला शख्स कौन होगा, मैं बताता हूँ। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, बुध, राहु या केतु का मेल होगा, चाहे दृष्टि से चाहे आपस में जुड़ा हुआ, उस इंसान को ऊपरी इन चीज़ों का आभास होता है। और पहले डर होता है, आभास होता है, फिर उसके बाद उसको कई बार ये चित्र नज़र भी आते हैं जो उसके अपने ही दिमाग के क्रिएट किए हुए होते हैं, तो इसको नेगेटिव ऊर्जा बोल देते हैं। अब ये जब जुड़ते हैं तो होता क्या है, रियलिटी में इंसान पेट तक श्वास नहीं लेता, सोच में ज़्यादा डूबा रहता है, जिसकी वजह से छाती तक श्वास लेता है, तो उसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। और जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो तरह तरह की भ्रांतियाँ हमारे दिमाग के अंदर आने लगती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम मंगल और बुध को अच्छा करके अगर चलते हैं तो इस तरह के आभास बंद होते हैं। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पर हवा खड़ी रहे, वेंटिलेशन ना हो और वहाँ पर किसी न किसी तरह की स्मेल भी एक तरह की घर कर जाए, जो ऐसे पर्सनों को जिनके मंगल बुध राहु या मंगल बुध केतु होते हैं, इन लोगों को इसका बहुत जल्दी आभास होता है, समझे ना। तो ऐसी अवस्था में इनको अपना इलाज ज़रूर करना चाहिए। गुरुदेव, जैसे अभी आपने स्मेल की बात की तो कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली स्मेल आती है, एक पर्टिकुलर रूम में जाएंगे कहेंगे हमें अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, हमें बहुत बदबू जैसा फील हो रहा है, पर दूसरा पर्सन कहता है नहीं ये कमरा बिल्कुल सही है, तो क्या ये नेगेटिव एनर्जी खुशबू या उन स्मेल्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है? जिस इंसान का मंगल बुध खराब हो और साथ में सूर्य खराब हो, इन लोगों के अंदर सहन शक्ति की कमी होती है, ये किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इरिटेट होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इस योग में शराब पीने वाला आदमी सुबह कहेगा कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन शाम होते पिएगा। ठीक है, इसी योग के अंदर आदमी कहता है, बीवी से सुबह उठ के वादा करता है, आज के बाद मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, हालांकि वो शराब नहीं पी रहा, लेकिन वो कहता कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो दोपहर को ही लड़ेगा। इसी योग के अंदर इंसान की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कुछ प्रकार की खुशबुएं
ठीक ठाक अच्छी लगती हैं और कुछ प्रकार की खुशबुओं से बड़ा पछता है। और इसी प्रकार का आदमी किसी एक खास चीज़ से भी परहेज करता है, जैसे कुछ लोग आम नहीं खाते, कोई ऐसा खाना नहीं खा पाते जो कर्च कर्च करता हो, समझ गए, क्योंकि ये दांत बुध है, इसके अंदर बुध इन्वॉल्व है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वाले लोग, ये जो है ये एक खास प्रकार की खुशबुओं से बहुत दूर बचते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं भाई अगर घर पे खाने में तड़का मारना मेरे आने से पहले पहले मार लेना, मैं घर में नहीं बैठ सकता, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। ये लोग अपने आप में भूत होते हैं। तो इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा बेटा ये तो सब जगह कहीं ना कहीं पाई जाती है, समझिए ना, लेकिन इसको अच्छा स्वच्छ बनाने में अब उनके अनुसार सब कुछ बदल दें ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। इनके लिए सबसे उत्तम उपाय एक है कि इनके पास से हर रविवार को गुड़ गेहूं का दान कराया जाए और हर बुधवार को इनको बेसन के लड्डू ये प्रसाद चढ़वा करके इनके पास से बंटवाया जाए, तो इनका इलाज अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि धरती जितनी बेटा सुरों की यानी कि देवताओं के लिए है उतनी ही असुरों के लिए है, जितनी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए है उतनी ही नेगेटिव ऊर्जा के लिए भी है। तो बात यह है कि हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि यह ऊर्जाएं हमें इंपैक्ट ना दे सके। इन ऊर्जाओं को भगाना ये लगभग संभव नहीं होता, क्योंकि जहाँ होती है होती है। अब मान लीजिए अगर इस तरह का आपके घर का वास्तु बन गया है तो रातों रात तोड़ के उसको ठीक करना कहाँ से संभव है, तो उसके लिए भी समय लगेगा ना। तो ऐसी अवस्था में ये दान इन मुसीबतों से इनको दूर रखेंगे। बहुत खूब। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और कौन से ग्रह नकारात्मक, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों की। आज बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज अपनों के साथ प्रॉपर्टी पैसे के विवाद में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, और खास तौर पे जो लोग किसी भी सुंदरता से संबंधित, चीज़ों को सुंदर बनाने से संबंधित काम करते हैं या तोल करके बेचने वाली चीज़ों से संबंधित जो लोग काम करते हैं, इन लोगों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। और प्रॉपर्टी पैसे को लेकर अपने घर वालों के साथ, अपनों के साथ में या गैरों के साथ में आज के दिन में बातचीत करना वो भी आपके लिए उत्तम नहीं है, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचाव रखें। बाकी और हर प्रकार के तरह कामों में सफलता लाभ सब लिखा हुआ है। और आज अगर खोए की मिठाई मंदिर में दे के दिन की शुरुआत करते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम बन सकता है। वृषभ राशि के लोगों को आज पार्टनर, भाई, जीवन साथी, इनके साथ में विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, और कोई भी नया कार्य करना हो उससे बचना चाहिए, और ख़ास तौर पे पैसा लगा करके नया कार्य करना हो फिर तो बहुत बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आपकी राशि टकराव पे चल रही है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान हो और दिल के दुख प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए दूध में शहद मिलाएं, मंदिर चढ़ाएं और दिन को थोड़ा धैर्य से गुजारें, आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों को आज अपने मन की कर लेनी चाहिए। दिल की ख्वाहिशें पूरी करनी हो उत्तम है दिन, अपनों की मदद करनी हो उत्तम है दिन, अपनों के लिए सोच करके कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है उसको एक्सिक्यूट करिए, उसमें सक्सेस नज़र आएगी। और प्रॉपर्टी पैसे से संबंधित जो कुछ भी आज आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपका दिन साथ देगा। तो दीजिए माता रानी का नाम और करिए भोलेनाथ को प्रणाम, और चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रख के अपने काम की शुरुआत करें। गुरुदेव, अमूमन सुना है मैंने या दर्शकों के मन में भी आता होगा, भारीपन सा फील होता है अंदर अंदर, रोने का मन करता है, दुखी रहते हैं, इन लोगों पर भी क्या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं? इसके लिए मैं, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मैं ये योग देख लेता हूँ तो उनको एक मैं गाना याद दिलाता हूँ,
दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ये जो योग है ये शनि और चंद्र के मेल से बनता है। शनि और चंद्र का मेल हो, बुध खराब हो, तो आदमी सिचुएशने इमेजिन कर करके वो जन्म उसके सामने एक तरह का अपने ही मन को दिखा रहा होता है कि मैं अच्छा हूं, और उसके अंदर वो डिप्रेस होने का इस तरह का नाटक अपने आप के साथ ही कर रहा होता है, पर उसका बस नहीं है। तो वो ओरिजिनल ये नहीं है कि उसने ज़िंदगी में गलतियां नहीं करी, उसने शायद सामने वाले से बहुत ज़्यादा गलतियां कर रखी हैं, ये भी बात पक्की है। और उसने कितनी जगह अपने आप को खुशी के अंदर संतुष्ट करने की कोशिश कर रखी है ये वो जानता है, लेकिन इस तरह का भावुक माहौल वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पैदा करता जाता है, कभी एक के लिए, कभी दूसरे के लिए, कभी तीसरे के लिए। ये सिर्फ शारीरिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी रिश्ते की बात कर रहा हूँ। इस तरह का ऐसा इंसान अच्छा होता है, लेकिन उसके पास से गलतियाँ होती हैं और दिल पे कंट्रोल नहीं होता। ये लोग भावुकता में अपने आप ही चीज़ों को इमेजिन करके ये रोते हैं। इन लोगों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बाकी कोई इतने बड़े पंगे नहीं होते, लेकिन अपनी मनोवस्था के कारण अपने माहौल को ख़राब कर लेते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले इनका नाक छेदन ये बीच में से करवाना चाहिए 96 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद इनको 11 दिन लगातार दूध में शहद डाल के मंदिर में देना चाहिए। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए, समझिए। और ये जो दूध में शहद डाल के 11 दिन देना, उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर अगले 5-7 साल तक हर सोमवार या मंगलवार को दूध में शहद ये मंदिर में देते रहे और हर शनिवार को शनि के दान करते रहे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और नॉर्मल अच्छा जीवन जरूर चलेगा। आपको भी अपना जीवन अच्छे तरीके से चलाना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि के लोगों को आज थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आपकी मानसिकता, नेगेटिव सोच आपको बीमार भी कर सकती है, आंखों में दिक्कत भी दे सकती है, परिवार को तोड़ने वाले हालात भी पैदा कर सकती है। और अगर और कुछ नहीं तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामों वाली स्थिति बना सकती है। तो इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आज चावल ज़रूर दर ज़रूर दान दें ताकि ये नेगेटिविटी आपके पास से दूर हो और आपका दिन शुभ हो। सिंह राशि वालों के आज सपने बड़े बड़े होंगे, कोई ना कोई शादी की प्लानिंग भी होगी, लेकिन आज जो प्लानिंग करेंगे उसमें चोट पड़ेगी और जो भी कोई कार्य करना चाहेंगे उसमें चोट पड़ेगी। तो काम करने के योग तो है, पॉजिटिव थॉट भी हैं, मेहनत भी है, लेकिन आज के दिन को हम अगर ऐसे कहेंगे कि जिस चीज़ को आप चीनी समझ के खाएंगे वो रेत बन जाएगी, इस तरह का दिन है। इसीलिए सफ़ेद फूल मंदिर में भोलेनाथ को अर्पित करके और सफ़ेद रुमाल या चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रख करके अगर आज आप कार्य करते हैं तब आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के वो लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उनको संभालना चाहिए और ख़ास तौर पे रिश्वत लेने वालों को संभालना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की इंक्वायरी बैठ सकती है और किसी भी तरह के हालात कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसीलिए थोड़े से चावल मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, घर में साफ सफाई पूरी है, बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, लेकिन अचानक से कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े घर में दिखना शुरू हो गए, तो इसका कारण बताएं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव का संबंध चौथे घर के साथ हो जाए और शनि देव खराब हो, तो ऐसी अवस्था में कीट पतंगे, चींटियों का ज़्यादा आना, शनि चंद्र के मेल के अंदर भी ये हो जाता है और ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है, और घुन लगना ये तो अक्सर हो जाता है, या फिर लकड़ी को घुनने लगता
कीड़ा इस तरह का होता है कि दीवार को खोखली करता हुआ लकीर बनाकर चला जाता है, समझे। ये चीज़ें होने लगती हैं तो ये बहुत ज़्यादा घर में आने लगती हैं। इनके चक्कर में बाद में घर में छिपकलियाँ भी बहुत आती हैं, क्योंकि शनि और चंद्र के मेल को बोलते हैं नीच केतु, तो छिपकली उसी का ही जानवर है। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब शनि चंद्रमा को खराब कर रहा हो और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाए, तब आपको घर पर ही भोलेनाथ का थोड़ी देर के लिए ध्यान करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बिल्कुल नहीं, नमः शिवाय का जाप, पंचाक्षर मंत्र है ये, इसका जाप करते हुए आपको थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ के सामने बैठ करके एक जल रखना है, जल में थोड़ा सा दूध डालना है, यानी आधा जल आधा दूध ले लीजिए, और नमः शिवाय का जाप करके परमात्मा को प्रणाम करके ये जो जल आपने शुद्ध किया है, इस जल का छींटा दूध और पानी मिला हुआ पूरे घर के अंदर दीजिए, सारे कीट पतंगे भाग जाएंगे और घर के अंदर स्वास्थ्य लाभ कन्फ्यूज़न, स्वास्थ्य और लाभ घर में आ जाएगा, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा, सब ठीक होने लगेगा। बहुत खूब, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए एक तरफ तो कामकाज, बिजनेस, हर चीज का पूरा जोश कूट कूट के भरा हुआ होगा और कामयाबी का इंतजार कर रहे होंगे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इस जोश में, इस तेजी में कहीं आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द ही आपके दुश्मन बनकर आपके काम को ना खराब कर दें, इसका ख्याल रखिएगा। आज दिन में कम से कम 3-4 बार गुड़ खा करके पानी पीना, ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, गुस्सा ना बढ़े, कड़वी जुबान ना पड़े, और थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में देकर के अगर आप जाते हैं तो दिन अति उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों ने आज अगर कुछ भी, चाहे ज्वेलरी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बनानी है, चांदी की ईंट घर पे लानी है, कोई समझौता करना है और उसको आर पार की स्थिति में लेके जाना है, इन सब के लिए दिन बहुत उत्तम है। और इसके साथ ही जीवन साथी के सुख, बच्चों के सुख सब उत्तम रहेंगे, लेकिन माँ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ठीक है। तो आज के दिन फूल अपने इष्ट को अर्पित करें, बाहर के मंदिर में जाकर घर पे नहीं, ठीक है। और पानी का मटका भर के मंदिर के अंदर रख के तब कार्य पे निकलें, देखिए दिन बहुत शुभ होगा। धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और अपने छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आज अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां खतरा हो सकता है, या ड्राइविंग के दौरान आपने गाड़ी तेज चलाई, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों से बचाव करना है, जोश में नहीं आना, और जोश में आकर के लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना, वरना सब कुछ आपके खिलाफ हो जाएगा और पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाएं और थोड़े से चावल किसी गरीब को दान देकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, कार्य में असफलता मिलनी शुरू हो गई है, भाग्य साथ देना छोड़ गया है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत बुरा होता है। और यहां पर भाग्य का ग्रह होता है जन्म कुंडली का 9वां घर, और भाग्य को जगाने का घर होता है जन्म कुंडली का 2रा घर। तो इसके लिए मैंने पिछले एपिसोडों में भी बताया बेटा कि इसीलिए एक प्रावधान हमारे सनातन धर्म में बताया गया, और वो क्या कि हर रोज तिलक जरूर लगाओ। ये जो तिलक की अवस्था है, ये जन्म कुंडली का 2रा घर, लेकिन 9वां घर जुड़ा हुआ है मंदिर में, तो मंदिर भी और ये तिलक का स्थान, ये 2रा घर भी यही देता है, 9वां घर भी यही देता है। तो इसीलिए शायद लाल किताब के अंदर एक चैप्टर है, कहते हैं अगर शुक्र 2रे घर में हो तो वो शनि का फल देगा, शनि 9 का, और शनि 9 में हो तो वो शुक्र 2 का फल देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर माथे पर किसी भी चीज का तिलक लगाना, चाहे आप केसर का लगाएं, सफेद चंदन का लगाएं, रौलिक का लगाएं, सिंदूर का लगाएं, हल्दी का लगाएं, कोई भी लगाएं, तिलक जरूर लगाएं।
चंदन के, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि चंदन प्योर नहीं मिलता, और बाजार के अंदर जो चंदन मिल रहा है छोटी छोटी डिब्बियों के अंदर, वो वाला चंदन असली बिल्कुल नहीं है। तो इतनी पवित्र जगह को जिससे कि आपकी सोच पनपती है, ये चंदन लगाना महापाप बन गया है। तो इसीलिए बाकी की जो प्योर चीज़ें उनका आप तिलक लगा सकते हैं, तो तिलक लगाएं और हर रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दें। और मंदिर में सबसे उत्तम क्या है, शुक्र की जोत। दूसरे घर के अंदर परिवार, पैसा, धन सब दिखता है शुक्र। तो आटे का दिया बनाएं, देसी घी डालें और रोई रखें बत्ती बना करके, और मंदिर में जा करके देसी घी का दिया आटे का बना करके ये परमात्मा को अर्पित करना, चलाना, ये आपके भाग्य को अपने आप चमकाना शुरू करेगा और ये दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के दिन ही अच्छे चल रहे हैं और आज का दिन तो और भी शुभ है। किसी भी तरह की नई प्लानिंग हो, नए काम पे लगना हो, और सरकारी काम हो, कोई ठेकेदारी के काम हो, या किसी भी तरह की सरकारी सप्लाई के काम हो, हर तरह से उत्तम दिन है। सुंदरता से संबंधित जो करना चाहे, बिजनेस से रिलेटेड जो भी करना चाहे, हर तरह से उत्तम है। बस आज के दिन जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, अगर कहीं आप उनको कोई भी हरी चुनी है जो छोटी छोटी मिलती है उनके सर पर रखकर आशीर्वाद लेते हैं तो दिन अति शुभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों के आज स्वास्थ्य पे बात आ सकती है, इसीलिए थोड़ा संभल के रहना है। आज के दिन कार्य के लिए, नौकरी के लिए मामा परिवार, बुआ परिवार, इनके साथ में जुड़ करके जो भी कार्य करेंगे आपके लिए उत्तम होगा। और आज के दिन खास तौर पे जीवन साथी के सुखों को लेकर के कुछ ना कुछ कमी का योग बन सकता है, बच्चों के सुखों को लेकर के कमी का योग बन सकता है। ये भी ना बने इसके लिए लाल रंग का रुमाल जेब में रखें और दूध और मिश्री ये मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा मन के दुख का समय है, खास तौर पे प्यार मोहब्बत में चोट खाना और रोना, तो इन सब के लिए अपने मन को तैयार करें कि अगर कुछ ऐसा होगा भी तो दो दिन के बाद ठीक हो जाएगा। और बजाय लड़के अलग होने के, अगर दो दिन का सब्र करके बाद में आपस में बात करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो इस तरफ से, और किसी प्रकार के कोई सरकारी कार्य हो वो आपके सफल होंगे, कोई अदालती कार्य हो वो आपके सफल होंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत में आज का दिन चोट देने वाला है। तो ये ना हो, कपूर की टिक्कियाँ 10-12 वो मंदिर में दीजिए और बड़ों के पाँव वहाँ लगाकर आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, अचानक से थका हुआ ज़्यादा फील करना या अपने आप को बहुत भ्रमित फील करना, इसके पीछे कौन सी नेगेटिव एनर्जीज है? इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है जन्म कुंडली के 12वें घर का दूषित होना, जन्म कुंडली के अंदर केतु का खराब होना। ये क्या करता है, थका हुआ फील करना, टांगों में कमजोरी फील करना, चलने में आलस होना, ये सारी चीज़ होना, और सिर्फ ख्यालों के अंदर बातें करते जाना लेकिन उसका हल ना ढूंढ पाना, ये सब केतु की खराबी के कारण होता है। और केतु का जो उच्च का घर है वो है जन्म कुंडली का 12वां घर। जब 12वां घर किसी न किसी रूप में खाली भी हो और खराब भी हो रहा हो किसी दूसरे ग्रह के कारण, तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य की ये दिक्कतें आती है। यही कारण है कि हर वो लड़की जो औरत बनी, जो बहू बनी, उसको सबसे पहले माँ बाप, ससुराल, रिश्तेदारों की तरफ से पाजेब मिलती है कि पाजेब पहननी। आप देखिए कि जो भी लड़की या औरत पाजेब धारण करती है वो कभी नहीं थकती, उसकी टांगें नहीं कमज़ोर होती, उसकी कमर में दर्द नहीं होता, समझे? तो औरतों के लिए तो ये उपाय आसान हो गया। इस तरह से करके वो अपने आप को ठीक कर सकती हैं। लेकिन दूसरा,
जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर शुक्र भी उच्च के माने जाते हैं, शुक्र। तो जिन मर्दों को ये प्रॉब्लम है उनको नंगे पांव घास पे नहीं मिट्टी पे चलना चाहिए और कम से कम और ना सी सुबह शाम 10-15 मिनट आधा घंटा जितना आप चल सकते हैं मिट्टी के ऊपर नंगे पांव आपको चलना चाहिए, जिससे कि 12वां घर मजबूत रहे। शुक्र और केतु का मेल ऑलवेज बेस्ट होता है। इस पर और ताकत अगर आपने देनी है इस योग को, तो अपने पांव में यानी नीचे गिट्टे के पास में आप यहां पर एक मोटा सा काला धागा ये बांध लें होंगे, और इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर चलना, काला धागा बांधना इस प्रॉब्लम को, इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर देगा और आपको स्वस्थ और कामयाब बनाएगा। गुरुदेव, बहुत से केसेस ऐसे सुने हैं कि रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अचानक ऐसे वो सामने कोई ऐसी वाइब फील करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई सामने खड़ा है बट वो नहीं होता, तो ये भ्रम क्यों पैदा होता है? ये जो भ्रम पैदा होता है बेटा, ये चंद्रमा का ऊपर नीचे होना और पापी ग्रह के साथ में टकराव होता है, जिसके कारण जो तुमने चक्कर आने की बात कही है, ये चक्कर आते ही तब है जब हमारे शरीर के अंदर का पानी डिसबैलेंस होता है, और जब पानी को डिसबैलेंस करने का काम राहु करता है, समझिए, और राहु जब ये खराबी पे होता है, चंद्रमा को खराब कर रहा होता है, तो इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे उत्तम जो उपाय है और वो ये कि राहु को वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ वो पाप नहीं करता है। तो इसके लिए जो खोटे सिक्के होते हैं, जो आज की डेट में मार्केट में नहीं चल रहे, जैसे 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के जो सिक्के हैं, ये लेकर के बुधवार के दिन इनको जल प्रवाह करना चाहिए, और दूध चावल मिश्री ये लगभग हर रोज़ अगर मंदिर में रखना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।